हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। जैसे कि हमें बहुत सारे लोगों के डीएम्स और कमेंट आते थे और इसमें लोग हमें ये बोलते थे कि ग्रुप अटैक में वीडियोस बनाइए, अगर एक से ज़्यादा लोग हों तो कैसे हम अपने आप को सेव कर सकें। इस तरह के बहुत सारे डीएम्स और बहुत सारे कमेंट्स आते थे, तो आज हमने ऐसी ही एक वीडियो बनाने का प्लान किया था। तो अभी मेरा भाई मेरे साथ जुड़ेगा जिसका नाम भानु जराल है। तो हम तीनों अभी एक एक क्लिप बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि अगर कोई एक से ज़्यादा बंदा अगर आप पे अटैक करता है तो आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं क्लिप की तरफ। लेट्स गो। अभी जो हमने किया उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी हमने फ़ोन को यूज़ किया, तो आपने हमें देखा कि दो बंदे अटैक कर रहे थे, ठीक है, एक ने बैक अटैक किया, एक ने फ्रंट अटैक किया। तो सबसे पहले मेरी बहन नेहा ने किस पे अटैक किया? सबसे पहले उसने किया फ्रंट वाले पे। क्यों? क्योंकि उसके सामने वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिवली वही अटैक कर रहा था, तो उसके लिए सबसे पहले उससे बचना ज़रूरी है। तो उसने भी किस पे अटैक किया? जो फ्रंट वाला था उसने कहाँ पे अटैक किया? फेस पे। तो देन इसने कहाँ पे अटैक किया? सबसे पहला इसका अटैक था फेस पे। तो फेस हमारा एक बहुत ही वीक पॉइंट होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कई सारी चीज़ें बताई हैं कि हमारा नेक वीक पॉइंट होता है, हमारा नोज़ वीक पॉइंट होता है। तो अगर आप फेस पे अटैक लेते हो तो फेस एक वीक पॉइंट है। तो नेक्स्ट अटैक उसका अगेन उसने डबल टाइम हिट किया, एक फेस पे आ गया, एक कंधे पे आ गया। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हम ये नहीं कहेंगे कि आप फेस पे अटैक करो, कहीं पे भी बट अटैक करो। एक फ़ोन आपका एक एज ए वेपन यूज़ हो सकता है। तो नेक्स्ट अटैक नेहा का क्या था? उसने अपने आप को छुड़वाया। मैंने क्या किया था, उसको ग्रिप किया हुआ था, तो ग्रिप में उसने क्या किया, हाथ पे मारा। जैसे उसने हाथ पे मारा तो देन मैंने छोड़ दिया। मेरी जगह कोई और होता, अगर वो भी उसको भी अगर लगती तो वो भी छोड़ता, उसकी भी जो छूट वो उसने जो ग्रिप किया होता वो छोड़ देता। तो देन उसका तीसरा अटैक क्या था, उसने उसको धक्का दिया, देन भागा। सिंपल इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ऐसी सिचुएशन में आप लड़ नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन में आपको एस्केप ही करना है, आपको भागना ही है। आप अपने आप को जितना सेव कर सकते हो उतना ही बेटर है आपके लिए। तो जिस तरह से हमने फ़ोन का इस्तेमाल किया, ऐसे भी अभी हम और भी ऐसी वीडियोस लाएंगे कि जैसे कि हमें अभी कई सारे डीएम्स और कई सारे कमेंट्स आएंगे कि अगर लड़की के पास फ़ोन नहीं हुआ तो ऐसे भी हम और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हो और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम भी ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। तो एंड I thank you, my brother. Please come. जराल, भानु जराल, thank you, brother. आपने मेरी help करी, और अगर आप ऐसी और videos चाहते हो तो हम और लेकर आएंगे. Like, share, comment करना ना भूले, और subscribe करें Self Defense with BS का YouTube channel.